जो भी तुम्हारी तकलीफ है, अभी हमने हमारे बात को रखा, अब तुमको औरतों को महिलाओं को जो तकलीफ आती है, आप साहब बिल्कुल आपके सामने हैं, आप बात दूसरी बात है नजदीक एकदम दारू का अड्डा भी है, नजदीक सट्टा पट्टा भी है, नजदीक पत्ते भी चालू एकदम करीब, ये बच्चे जा रहे करीब चालू है, दारू पीने वाले निकल रहे बाकायदा, सट्टे खेलने वाले बाकायदा निकल रहे, पत्ते खेलने वाले बरोबर निकल रहे, ये बच्चे जा रहा होगा करीब, फिर ये बच्चों को असर पड़ेगा नहीं, अभी तुम बस लोग है ना, हम बच्चे लोग छोड़ जाते ना, तो जैसे लोग वहाँ से पीछा फिर के सामने जाके खड़े हो जाते बच्चे लोग, दारू पीने वाले बाकायदा वही पीछा हमेशा वही देखते, हमेशा मैं लड़की छोड़ जाती ना, दो तीन लोग वही संदास बाथरूम बने ले वही घुसते वही खड़े जाते वहाँ जाके रोजाना में छोड़ने को जाती लड़की को रोजाना जैसे जंगल का है माहौल उधर का और जवान साहब ने देखो सारी बात बहुत गौर से सुनी और इंशाल्लाह काम होगा, कार्रवाई पूरी मुकम्मल होगी। अभी अभी देखो अभी पांच लोग हम अंदर भी जा रहे हैं, तुम में से दो औरतें हमारे साथ बैठो वहाँ पर, कितना चलो कोई भी दो पिंपरडा परिसर हुडको खाजानगरी या भागामध्ये जे अवैध धंदे चालू आहे, मग त्याच्यामध्ये सट्टा असेल, पत्ता असेल, दारू असेल, या सर्व अवैध धंद्यांच्या विरोधात या ठिकाणी आज जन आक्रोश होऊन काही महिला व तरुण यांच्यासोबत आम्ही या ठिकाणी पोलीस अधीक्षक असतील, इथले DYSP असतील, यांना त्या संदर्भात तक्रार देण्यासाठी या ठिकाणी आलो होतो। खरं तर या ठिकाणी आम्हाला पोलीस अधिकाऱ्यांनी आश्वासन दिलेलं आहे की एका तासाच्या आत त्या ठिकाणचे दारू असेल, सट्टा असेल, पत्ता असेल किंवा जे कुठले अवैध धंदे असतील ते आम्ही बंद करून दाखवू। आम्ही त्यांना यासोबत हीच विनंती केली की जर साहेब तुम्ही ते बंद करू शकत नसाल तर मग आम्ही मात्र या ठिकाणी स्वतः कायदा हातात घेऊन त्या ठिकाणचे दोन नंबरचे धंदे बंद करू, परंतु पोलीस अधीक्षकांनी DYSP साहेब गावित साहेबांनी आम्हाला या ठिकाणी आश्वासन दिलेलं आहे की एका तासाच्या आत हे सर्व अवैध धंदे त्या ठिकाणचे बंद होतील, कारण गेल्या अनेक दिवसापासून त्या ठिकाणी त्या अवैध दारूपासून असेल, सट्ट्यापासून असेल, पत्त्यांपासून असेल, अनेक तरुणांचा रोजगार हा हिरावला गेलेला आहे, अनेक तरुण त्या नशेच्या आहारी जाऊन त्या ठिकाणी गुन्हेगारी वाढलेली आहे। निश्चितच आम्हाला या ठिकाणी अपेक्षा आहे पोलीस प्रशासनाकडून की सदरील धंदे हे लवकरात लवकर बंद होऊन आम्हाला त्या ठिकाणच्या नागरिकांना त्या ठिकाणी दिलासा मिळेल। आज पुलिस अधीक्षक SP साहब से और तमाम ही पुलिस अधिकारियों से मुलाकात के लिए पिपराला हुड़को खाजा नगरी के चारों नगर सेवक और मैं मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती अहारू नदवी हम सब मुलाकात के लिए यहां पर आए थे। और बहुत बड़ी बात है कि कम से कम 200 महिलाएं और 200 जवान हमारे साथ यहां पर आए थे। मुद्दा सिर्फ एक ये था कि उस इलाके में शराब, नशे का कारोबार, जुआ, सट्टा और जितनी गैर कानूनी चीजें हैं, जुर्म की चीजें हैं, बड़ी धड़ल्ले से वहां पर डेरिंग के साथ चलाई जा रही थी, जिसकी वजह से और स्कूल के पास, मदरसे के पास, मस्जिद के पास, रास्तों में जहां से हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे जो है स्कूल में जाते हैं, मदरसे में जाते हैं, वो अपनी आंखों से दारू पीने वालों को देख रहे हैं, वो अपनी आंखों से सट्टा खेलने वालों को देख रहे हैं, जुआरियों को देख रहे हैं, तो ये आने वाली पीढ़ी पर, आने वाली नस्ल पर बड़ा गलत असर पड़ सकता था। तो आज इसको लेकर तमाम लोग यहां पर जमा हुए और बड़ी अच्छी बात है कि हमारे पुलिस अधिकारियों ने, हमारे साहब ने हमारी बात को, मेमोरेंडम को गौर से पढ़ा, सुना और आश्वासन यकीन दिलाया कि आज रात तक उन तमाम दो नंबरियों के धंधों पर कार्रवाई की जाएगी। हम पुलिस अधीक्षक का और तमाम ही अधिकारियों का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। और जितनी महिलाएं, बड़ी खुशी की बात है कि आज ये मजदूर महिलाएं 200-200, 300-300 रुपए छोड़कर ये यहां पर आई है कि इनके बच्चों की फिक्र की जाए और अपने मोहल्ले से, अपने इलाके से
जुआ शराब नशे की चीजें खत्म किया जाए, तो ये महिलाएं भी आई है और तमाम युवक और जवान भी आए हैं, हम इन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं मुस्लिम धर्मगुरु होने के नाते कुलभूषण भाई और जितने भी हमारे नगर सेवक है यहाँ पर आए हमारे साथ, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह इन दो नंबरियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। गांधी तीर्थ निसर्गाच्या सानिध्यात महात्मा गांधींच्या जीवनावरील जगातील पहिले मल्टीमीडिया म्युझियम आजच भेट द्या गांधी तीर्थ जैन हिल्स जळगाव। अधिक माहितीसाठी www.gandhifoundation.net वर विजिट करा।